सुल्तानगंज से देवघर पैदल यात्रा में आज हमारा तीसरा दिन है और अभी का टाइम हो रहा है लगभग 12:30 और हम लोग पहुंच चुके हैं और झारखंड गेट दिखाते हैं आप लोगों को झारखंड गेट कैसा है। तो यहीं से जो है ख़त्म होती है हमारी बिहार और शुरू होता है झारखंड और यहां से जो है शिव मंदिर का दूरी है लगभग 10 किलोमीटर है। तो दिखाते हैं यहाँ पे जो है गेट लगा हुआ है। तो इसी के साथ हम इंटर कर चुके हैं झारखंड में। हाँ देखो स्वागत बाबा नगरी। झारखंड इंटर करने के बाद यहाँ पे जो है बड़ा सा एक मूर्ति बना हुआ है जो बहुत बड़ा है, लगभग 20 फीट का होगा ऊंचा, 20 से भी ज़्यादा होगा, 30 फीट का। और यहाँ बगल में ही रहने का व्यवस्था किया गया है, आप लोग ठहर सकते हैं यहाँ पे कांवर रख के। तो हम लोग जो है अभी कंटिन्यू चलेंगे क्योंकि हम लोग को बहुत जल्द पहुँचना है। और यहाँ पर जो है सावर का व्यवस्था किया है, यानी कि झरना का बरसात करवाने के लिए। जैसे ही झारखंड घुसिएगा पर यहाँ पर जो है हम लोग को टोकन मिलेगा जिससे काउंट होगा कि कितने लोग जो है प्रवेश कर रहे हैं, कितने लोग जल चढ़ा रहे हैं उसका। तो फोटो खिंचाने के लिए रेडी है सचिन? हाँ फोटो क्लिक होगा। चलिए चलते हैं और अपना नाम का पर्ची कटाते हैं। इंटर तो कर लिए हैं बट आज शुरू नहीं हुआ है पर्ची कटना क्योंकि सावन चढ़ने में एक दिन बाकी है, यानी कल से जो है यहाँ पर्ची कटना स्टार्ट होगा। और देख सकते हैं यहाँ पर जो है सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है और इसी के साथ यहाँ पे जो है हम लोग को पर्ची मिलेगा, बट अभी कुछ नहीं है, खाली है पूरा। ये सावर क्यों नहीं चालू है भाई? बंद पड़ल है, बस गीला है, यानी कुछ देर पहले ही चालू किया गया था बट अभी बंद है। यहाँ पे जो है पानी से लेके चाय, झरना, खाने पीने सारे का व्यवस्था है। तो यहाँ पे जो है एक धर्मशाला है जो आप लोगों को देवघर से 5 किलोमीटर पहले मिलेगा, जिसमें किसी इस तरह का जो है व्यवस्था किया गया है जो एकदम बैनर लगा के जो है सबको, जितना भी कंवरिया जाते हैं उनको मनमोहित करके यहाँ सारा चीज़ का सुविधा है। आपको नाश्ता का से लेके सारा चाय मसाज वगैरह सारा चीज़ का उत्तम व्यवस्था है। तो चलिए यहाँ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है हम प्लेट ले चुके हैं, देखते हैं कल रात की ट्रेन है अगर पकड़ पाएंगे। तो यहाँ पे जो है पूड़ी सब्जी बूंदिया और चटनी मिला है, तो हम लोग बैठ के खाते हैं एक जगह पे। तो यहाँ पे चटनी का टेस्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ का चटनी है हमको तो पता ही नहीं चला क्या चीज़ का चटनी है, तुमको पता चला? तो अभी जो है हम लोग झरने का मजा लेने जा रहे हैं। जा रहे हैं तो बाबा का जो मंदिर है यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। तो गाइस फाइनली हम लोग जो है देवघर गेट पहुँच चुके हैं और यहाँ से जो है बाबा नगरी मात्र 3 किलोमीटर की दूरी बाकी है, तो बहुत खुशी हुई। तो बहुत लोग जो है यहाँ गाड़ी से भी आ रहे हैं जल चढ़ाने के लिए बाबा को। और एक चीज़ यहाँ है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है गाड़ी के वजह से, और यहाँ जो है एक चीज़ का कमी है
इतना दूर चलने के बाद जो है हर जगह बालू था, बट यहाँ पे जो है किसी चीज़ के साधन नहीं है। देख सकते हैं आप लोग, इसी रास्ते पे जो है नंगे पांव चलना पड़ रहा है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं अभी देवघर स्टेशन के रास्ते, यानी जो नीचे से जो है ट्रेन चलती है उधर जो है देवघर स्टेशन है, और यहाँ से जो है 2 किलोमीटर जो है सिमरिया है, तो तुरंत ही पहुँच जाएंगे। लगभग और आधा घंटा का समय लग सकता है हम लोग को। जो हमें 105 किलोमीटर में आके कुछ नहीं हुआ, लेकिन इन 3 किलोमीटर में जो है इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि लगता है कि पैर जो है छिल जाएगा, क्योंकि पैर जो है चल चल के पूरा नरम हो चुका है। तो यहाँ पे जो है नंदी महाराज हमारे रास्ता रोकते हैं। तो दोस्तों पूरे 2 दिन 8 घंटा पैदल चलने के बाद हम लोग फाइनली जो है शिव गंगा का दर्शन हो चुका है, और इतना खुशी हुई अंदर से ना कि क्या ही बता सकते हैं हम, बयान नहीं कर पाएंगे। महादेव का दर्शन किया नहीं, शिव गंगा का तो दर्शन हो गया है। अब हम लोग जो है 12 बजे जो है लाइन पे लगेंगे जल चढ़ाने के लिए बाबा को, क्योंकि आज संडे का दिन है और हम लोग जो है मंडे को फर्स्ट सुमारी को यानी कि जल चढ़ाने वाले बाबा को। तो थोड़ा सा और प्रतीक्षा कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं बाबा को जल चढ़ाने के लिए। अभी जो है हम जा रहे हैं देवघर के पंडा जी के घर, क्योंकि वही जो है हमारे जल को संकल्प कराएंगे, फिर हम लोग बाबा को जल चढ़ाने के लिए जाएंगे। तो उनका घर पहले चलते हैं।